स्वागत करता हूं। हमारे भीलवाड़ा संसदीय क्षेत्र में आप पधारे, भीलवाड़ा और मेवाड़ की धरती में मैं आपका हृदय से हार्दिक जाजपुर विधानसभा क्षेत्र के शकरगढ़ हनुमत धाम में भव्य स्वागत करता हूं। मैं सम्मानित मंच और सामने विराजमान देवतुल्य कार्यकर्ता बंधु आप सबके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे देश का गौरव मान सम्मान हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के विगत 10 वर्षों में देश का मान सम्मान बढ़ाया, SC ST का मान सम्मान बढ़ाया, SOBC का मान सम्मान बढ़ाया। मैं 10 वर्षों का विकास कार्य और पिछले 60 साल का विकास कार्य को अब हम नहीं कहते तो हमारा विकास कार्य मोदी जी के शासन का बहुत आगे। मैं सम्मानीय स्वागत करता हूं। मैं आदरणीय अमित भाई का स्वागत करने के लिए आदरणीय दामोदर जी अग्रवाल से निवेदन करता हूं। साहब बाद में तो भारत माता की। मैं अमित भाई साजी से निवेदन करता हूं कि इस जनता जनार्दन को संबोधन प्रदान करें। भारत माता की स्वागत है भाई। भाई पुलिस वाले वहां रोक रहे, आगे आने दो सबको, सारे लोग आगे आ जाओ, वहां से दौड़िए जरा। मेरे साथ बोलिए भारत माता की। क्यों भाई, भीलवाड़ा वालों की आवाज को क्या हो गया है, ऐसे बोलोगे क्या? मुझे जवाब दो भाई, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? 400 पार करनी है या नहीं करनी है? तो ऐसी आवाज नहीं चलती है। दोनों हाथ उठाइए, माताएं बहने भी हाथ उठाए, विजय के संकल्प की मुट्ठी बीचो और प्रचंड आवाज से बोलो भारत माता की जय, श्री राम जय, जय श्री राम। मंच पर उपस्थित पूजनीय जगदीशपुरी जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। हमारे वरिष्ठ नेता राजस्थान के मंत्री भाई बैठ जाओ सभी लोग, और पत्रकार भी मीडिया वो सेट कर बैठ जाए, भैया बैठ जाओ सभी लोग, बैठ जाओ पीछे दिखाई पड़े जरा, बैठ जाइए। हमारे वरिष्ठ नेता और राजस्थान सरकार के मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी, हमारे 3 सीटों के प्रभारी श्रीमान नारायण पंचारिया जी, हमारे सांसद सुभाष चंद्र बहेड़िया जी, श्री प्रशांत मेवाड़ा जी, श्री सुरेश अग्रवाल जी, श्री शक्ति सिंह कालियास जी, गजपाल सिंह जी राठौर जी, श्रीमती बरजी देवी भील जी, श्री जब्बार सिंह सांखला जी, उदयलाल भड़ाना जी, लादूलाल पितलिया जी, श्री अशोक कोठारी जी, श्री लालाराम बेरवा जी, श्री गोपीचंद मीणा जी, और आज इस विराट सभा में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले मैं वीर तेजाजी महाराज को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। महाकाल बाबा को, चामुंडा माता को और 4 भुजानाथ मंदिर को भी प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत की। गुर्जर समाज के
कुल देवता सवाई बोझ भगवान को भी मन पूर्वक स्मरण कर मेरी बात की शुरुआत करना। भाई और बहनों, मैं भीलवाड़ा में आया हूं, गुजरात से आया हूं। हमारे गुजरात तक जगदीशपुरी महाराज की गौ सेवा और गौशाला, दोनों पूरा गुजरात उसको याद करता है। जगदीशपुरी महाराज जी ने गौ सेवा को एक परंपरा बनाकर, एक संस्कार बनाकर सनातन धर्म का बहुत बड़ी सेवा करने का काम किया है। सभी लोग जगदीशपुरी महाराज जी के लिए जोर से ताली बजाइए जरा। मैं यहां पर स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गस्थ विजय सिंह पथिक और बारहट परिवार के तीनों स्वतंत्रता सेनानियों को प्रणाम करता हूं और उनके प्रति मेरी श्रद्धा व्यक्त करता हूं। भाई और बहनों, कल पहले चरण का चुनाव था, आपको परिणाम जानना है? अरे जोर से बोलो, जानना है, मगर किसी को बताना मत। हां, बता दूं मैं, 12 की 12 सीटें नरेंद्र मोदी जी की झोली में जा रही। भाई और बहनों, राजस्थान, क्रिकेट की भाषा में कहूं तो हैट्रिक कर तीसरी बार 25 की 25 सीटें नरेंद्र भाई को देने जा रहा है। मैं कल रात को उदयपुर रुका था, प्रदेश के नेताओं के साथ, मुख्यमंत्री जी के साथ स्टॉक टेकिंग ले रहा था। उन्होंने कहा, भाई साहब, यहां गहलोत जी अपने बेटे में उलझ कर रह गए हैं, बेटे में उलझ कर। मैंने कहा, क्या होगा बेटा का? तो के बेटा भी बड़ा मार्जिन से हार रहा है, 25 की 25 सीटें भाजपा की झोली में। भाई और बहनों, ये चुनाव स्पष्ट रूप से दो खेमों में बटा हुआ है। मैं आपको बताने आए, ए पुलिस वाले रहने दो भाई, ए पुलिस वाले इनको बुलाओ जरा, ए पीछे जाओ, चलो पीछे चले जाओ मंच के, सब कुछ ठीक है, काहे को करते हो भाई, बैठ जाइए। अरे वो अपना काम करें, बैठ जाए। भाई और बहनों, ये चुनाव स्पष्ट रूप से दो खेमों में बटा हुआ। एक और 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार करने वाली कांग्रेस पार्टी है और दूसरी ओर 23 साल तक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहने के बाद 25 पैसे का जिस पर आरोप नहीं है, ऐसे नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी। एक और ये राहुल बाबा और उनकी बहना हर 3 महीने में विदेश में वैकेशन करते हैं, हर 3 महीने में। प्रियंका जी चालू चुनाव में थाईलैंड छुट्टी मना कर आई, बोलिए क्यों? यहां गर्मी बहुत है, गर्मी से तकलीफ होती है। एक और हर 3 महीने में विदेश में वैकेशन करने वाले राहुल बाबा है और दूसरी ओर 23 साल से दीपावली की भी छुट्टी न लेने वाला नरेंद्र मोदी है। 23 साल से नरेंद्र मोदी जी ने एक भी छुट्टी नहीं ली। एक और सोनिया जी का एजेंडा है, मेरे बेटे को प्रधानमंत्री बनाओ
और दूसरी ओर मोदी जी का एजेंडा है मेरे भारत को महान भारत बनाओ। एक और चांदी की चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुए राहुल बाबा है, तो दूसरी ओर गरीब के घर में चाय बेचने वाले के घर में पैदा हुआ नरेंद्र मोदी। एक और गरीबी हटाओ के खोखले नारे देने वाले लोग हैं, और दूसरी ओर 80 करोड़ गरीबों का कल्याण करने वाला नरेंद्र मोदी। ये दोनों के बीच में पसंदगी करनी है। भीलवाड़ा वालों बताओ आपकी पसंद क्या है भाई, आपकी पसंद क्या है, जोर से बताओ जरा। भाई और बहनों, सिर्फ भीलवाड़ा की नहीं, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण मैं जहां पर भी जाता हूं हर जगह मोदी 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 के नारे लगते हैं, और हर जगह हम कुछ बोले इसके पहले कहते हैं अब की बार, जरा जोर से बोलिए अब की बार। मित्रों, मोदी जी को वोट देने का मतलब है महान भारत की रचना करना। जब आप हमारे प्रत्याशी को वोट देंगे, दामोदर अग्रवाल जी, दामोदर जी खड़े हो जाइए, जब आप दामोदर जी को वोट देंगे, इनके सामने कमल निशान पर वोट दोगे, तो समझ कर ना आपका एक दिया हुआ दामोदर जी को हर वोट नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने वाला। भाई और बहनों, ये 10 साल के अंदर मोदी जी ने जितने भी वादे किए, ये सारे वादे पूरा करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। मुझे बताइए भाई, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं? अरे जोर से बोलो भाई, है या नहीं? अबे खड़गे जी कह रहे हैं राजस्थान वालों का कश्मीर से क्या लेन-देन। अरे खड़गे साहब, आपको मालूम नहीं है राजस्थान से इतने लोग सेना में गए हैं, और मेरे कश्मीर के लिए राजस्थान की माताओं ने अपने बेटे बलिदान किए हैं, बेटे बलिदान। मुझे बताओ भाइयों बहनों, ये धारा 370 हटानी चाहिए या नहीं हटानी चाहिए? जोर से बोलो, हटानी चाहिए या नहीं हटानी चाहिए? ये कांग्रेस पार्टी अपने अनोरस बच्चे की तरह 70 साल तक धारा 370 को संभाल कर बैठी थी। मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर दिया, और कश्मीर को हमेशा के लिए भारत का हिस्सा बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाई और बहनों, अभी 17 तारीख को रामनवमी थी, रामलल्ला का बर्थडे था, इस बार बड़ी घटना हुई, 500 साल के बाद रामलल्ला ने अपना बर्थडे अपने भव्य मंदिर में बनाने का काम। अभी 17 तारीख को रामनवमी थी, रामलल्ला का बर्थडे था, इस बार बड़ी घटना हुई, 500 साल के बाद रामलल्ला ने अपना बर्थडे अपने भव्य मंदिर में बनाने का काम किया। भाइयों, मुझे बताओ भीलवाड़ा वालों, इतनी चिलचिलाती धूप में खड़े हो, मुझे बताओ कश्मीर में और अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? माताएं भी बताए, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? एक कांग्रेस पार्टी राम मंदिर के मुद्दे को लटकाती रही, अटकाती रही, भटकाती रही,
आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, 5 ही साल में कोर्ट का फैसला भी आया, भूमि पूजन भी हो गया और प्राण प्रतिष्ठा होकर जय श्री राम हो गया। भाई और बहनों, प्राण प्रतिष्ठा के वक्त ट्रस्ट ने कांग्रेस के नेताओं को निमंत्रण भेजा, अपनी वोट बैंक की लालच से एक कांग्रेसी रामलल्ला के दर्शन करने भी नहीं गए। जो लोग वोट बैंक की लालच से रामलल्ला के दर्शन नहीं करते हैं, उसको देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। भाइयों, कभी माफ नहीं। भाइयों और बहनों, ये सोनिया मनमोहन की सरकार 10 साल चली, 10 साल में हर रोज पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया घुस जाते थे और बम धमाके करते थे। करते थे या नहीं करते थे बताओ? अरे जोर से बोलो, करते थे या नहीं करते थे? आपने मोदी जी की सरकार बनाई, फिर से आतंकवादियों ने उरी और पुलवामा में हमला किया, उनको लगा कुछ नहीं होगा, मगर वो भूल गए एक कांग्रेस की सरकार नहीं है, भाजपा सरकार है और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। माताओं भाइयों बहनों, 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवाद का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। भाई और बहनों, कश्मीर में शांति, नॉर्थ ईस्ट में शांति, नक्सलवाद समाप्ति के कगार पर मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया और साथ में देश को समृद्ध करने का भी काम। हम 11 नंबर की अर्थव्यवस्था थे, कितने नंबर की थे? 10 साल में मोदी जी ने भारत को 11वें नंबर से 5वें नंबर पर लाने का काम नरेंद्र मोदी। अरे क्या ताली बजा रहे हो भीलवाड़ा वालों? मैं एक मोदी गारंटी कहने आया हूं, तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो, भारत संसार का 3रे नंबर का अर्थतंत्र बन जाएगा। चंद्रमा को सालों से माए अपने बेटे को कहती थी, चंदा मामा दूर से रोटी पूरी खिलाए प्यार से। भाइयों बहनों, चंद्रमा बहुत दूर था, दुनिया का कोई देश चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर नहीं पहुंचा था, मोदी जी ने भारत के यान को चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतारने का काम किया। और माताओं बहनों के सम्मान में जहां हमारा यान उतरा, तिरंगा फहरा, वो स्पॉट को शिव शक्ति स्पॉट का नाम देकर शक्ति की सम्मान करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। इतने सालों से 3रे तलाक हटाने की बात होती थी, हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए भाई? अरे जोर से बोलो, हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए? हिम्मत नहीं थी, मोदी जी ने एक झटके में 3रे तलाक को समाप्त किया। इतना ही नहीं, पुरुष भाइयों बहनों, पुरुष भाई पूरे मतदाता, जोर से ताली बजाना जरा, माताओं बहनों को 33% आरक्षण विधानसभा में देने का काम नरेंद्र मोदी। नई संसद बनाई, कर्तव्य पथ बनाया, अंग्रेजों के बनाए हुए कानून को बदलकर भारतीय कानून बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और मित्रों, सबसे बड़ा काम क्या किया? 80 करोड़ गरीबों के कल्याण के लिए मोदी जी ने एक यज्ञ शुरू किया। 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने का काम किया। 12 करोड़ शौचालय बनाकर माताओं बहनों का सम्मान किया। 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को
अपना खुद का घर दिया, 10 करोड़ लोगों को उज्ज्वला का कनेक्शन दिया। टीका टीका है मत लगाइयो। अरे राहुल बाबा शर्म करो, शर्म करो, इतनी बड़ी महामारी में पॉलिटिक्स करते हो, मगर अच्छा है देश की जनता उनका सुनती ही नहीं, सबने लगा दिया। फिर एक दिन रात को वो खुद भी अंधेरे में जाकर टीका लगा कर आ गए। मोदी जी ने 130 करोड़ को टीके लगाकर कोरोना से सुरक्षित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। हमारे एमपी साहब है, जरा खड़े हो जाइए एमपी साहब, इन्होंने भीलवाड़ा के लिए ढेर सारे काम किए हैं। पाली भीलवाड़ा में नेशनल हाईवे 158, जयपुर उदयपुर वंदे भारत ट्रेन भीलवाड़ा होकर गुजरती है। राजमाता विजया राजे सिंधिया मेडिकल कॉलेज भीलवाड़ा आसीन, भीलवाड़ा गुरापुर, दो नए नेशनल हाईवे और भीलवाड़ा का रेलवे स्टेशन भी करोड़ों रुपयों के खर्चे से नया बनाने का काम मोदी जी कर रहे हैं। 70,000 गरीबों को भीलवाड़ा में आवास दिया, 3,36,000 माताओं को भीलवाड़ा में गैस का कनेक्शन दिया, 5,00,000 शौचालय अकेले भीलवाड़ा क्षेत्र में बनाए और किसान सम्मान निधि 3,50,000 किसानों का रजिस्ट्रेशन कराया और 12,000 स्व सहाय जूथों को 60 करोड़ रुपया दिलवाने का काम हमारे सांसद साहब ने किया। जोर से ताली बजाओ उनके लिए। भाई और बहनों, आजादी के 75 साल में भीलवाड़ा का इतना विकास कभी नहीं हुआ है। मैं आज कुछ मोदी गारंटी भी बताना चाहता। मोदी जी ने देश की जनता को गारंटी दी है कि 2047 में पूर्ण विकसित भारत बनाएंगे, देश के अर्थतंत्र को तीसरे नंबर पर ले जाएंगे, समग्र देश में समान नागरिक संहिता आएगी, समग्र देश में 80 करोड़ लोगों को और 5 साल तक 2029 तक मुफ्त राशन चालू रहेगा, हर बुजुर्ग किसी भी आय सीमा का है 70 साल से ज्यादा आयु होते ही उसको आयुष्मान भारत योजना का फायदा मिलेगा, 3 करोड़ नए घर बनाएंगे। अब जो गैस का सिलेंडर भरना पड़ता है ना माताएं, भरना नहीं पड़ेगा, जल की तरह गैस भी पाइप से घर में मिलने लगेगा, भरने की बात ही नहीं। पीएम सूर्य घर के माध्यम से बिजली बिल को समाप्त करेंगे और 3 करोड़ नई लखपति दीदी बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भाई और बहनों, कांग्रेस पार्टी के पास ना नीति है, ना नियत है, ना नेता है। मोदी जी के पास 10 साल के शासन का हिसाब किताब भी है और अगले 25 साल का एजेंडा भी है देश को आगे बढ़ाने का। इसलिए मैं आज आप सभी को कहने आया हूं, मोदी जी को वोट दीजिए, अगले 5 साल में भारत को दुनिया के अंदर अपने उचित सम्मान वाले स्थान पर पहुंचाइए। भाई और बहनों, मुझे बताओ, हमारे प्रत्याशी जी को बड़े बहुमत से जिताएंगे क्या आप? अरे भले आदमी जोर से तो बोलो यार, मैं गुजरात से आया हूं भाई, थोड़ा जोर से बोलो, जिताएंगे क्या? राजस्थान में 25 की 25 कमल खिलाएंगे, भीलवाड़ा में प्रचंड मार्जित से जीत दिलाएंगे, 400 पार कराएंगे,
मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे, तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, विजय के संकल्प का मुट्ठी भींचे। इस बार धूप वाले भी उठाए भाई, जरा समाप्त होने को आया है। विजय के संकल्प का मुट्ठी भींचे और बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम, वंदे वंदे भारत माता की, भारत माता की। भीलवाड़ा वालों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। अब मैं स्वागत के लिए पूज्य श्री से निवेदन करता हूँ, कृपया रुद्राक्ष माला पहनाकर और दामोदर जी सापा पहनाकर स्वागत करेंगे पूज्य महाराज श्री जी। राजकुमार जी पीछे आ जाइए, महाराज श्री जी को आगे आने दीजिए। तो भीलवाड़ा में बीजेपी के रणनीतिकार यानी कि गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त आपको मंच पर नजर आ रहे होंगे, जहां से उन्होंने दूसरे चरण के लिए हुंकार भरी है। आपको बता दें भीलवाड़ा के शक्करगढ़ की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर दामोदर अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और उनका मुकाबला है कांग्रेस के सीपी जोशी से। तो आज दामोदर अग्रवाल के समर्थन में गृह मंत्री अमित शाह आम जन को संबोधित करते हुए नजर आए। आपको जानकारी दे दें कि भीलवाड़ा में इस वक्त मुकाबला काफी दिलचस्प